मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम यू टू चैनल श्री घनश्याम एकेडमिक नारायण। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर टेक्स्ट बुक लॉग इन क्लास सॉल्व। फर्स्ट चैप्टर इज वन कंप्यूटर्स। यू नाउ क्वाइट अ बिट अबाउट कंप्यूटर्स बाय नाउ। कंप्यूटर्स हेल्प अस डू मेनी थिंग्स। वन वे the help is by giving us useful information। computer है वो हमें information के लिए बहुत ही काम आता है। उसके पास बहुत सारी information होती है। first point is data and information। you open the textbook and page number 5। data and information। data means a collection of numbers, words or facts। data can look like this 0 1 0 4 2 0। but what does this data means? When data is presented or stored in a meaningful way, it is called information। if we say that 0 1 0 4 2 0 are the runs scored in an over, it is information about the over। यहाँ कंप्यूटर्स के कुछ फैक्ट, वर्ड्स, नंबर ये सब दिए गए होते हैं, वो डेटा होता है। ओके, उन कंप्यूटर्स वी स्टोर डेटा इन फाइल्स। कंप्यूटर है वो डेटा को फाइल में स्टोर करता है। वी स्टोर डेटा इन सच अ वे दैट इट हैज सम मीनिंग and is useful। here is an example of data stored in a file। Raju 8, Seema 9, Bala 7, Salma 6, some name और उसके सामने उसकी age है। this data is useful if you know that it has name followed by age। उसको नेम को एज वाइज फॉलो करना है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन शो दिस डेटा एस, इसका एक टेबल बनाना है। आप देख सकते हो 5 नंबर के पेज के ऊपर यहाँ पे एक टेबल है नेम। यहाँ उन सबके नेम है, फर्स्ट ऑफ राजू, सीमा, बाला, सलमा, और नीचे जो बॉक्स है उसमें है एज 8 9 7 6। ओके, राजू से एज 8, सीमास 9, बाला 7 और सलमा 6। ओके, नाउ दिस इंफॉर्मेशन विच एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। अब ये इंफॉर्मेशन है सबको समझ में आती है। अ प्रोग्राम कैन वर्क ऑन डेटा टू गिव अस इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल इट कैन अरेंज द नेम्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एज सलमा, बाला, राजू एंड सीमा। कंप्यूटर है वो इसको एज वाइज अरेंज करेगा और कितना फास्ट अरेंज करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ फास्ट अ कंप्यूटर कैन डू सर्च टास्क डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपके पास जो कंप्यूटर है वो कौन से टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना फास्ट ये कैलकुलेशन करके आपको देगा। इनपुट है वो कैसे आपको देगा, कितनी देर में देगा, कितना टाइम लगेगा, वो आपके पास कैसा कंप्यूटर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हमने उसके डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमें उस पर से पता चलेगा कि किस कौन से कंप्यूटर की स्पीड कितनी होती है। ठीक है, थैंक यू।